सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, तो देखिए हमने अभी एक डायग्राम बनाया, इसमें समझ सकते हैं आप लोग तीन रेजिस्टेंसेज हैं। देर आर थ्री रेजिस्टेंसेज। पहला रेजिस्टेंस आपको दिखाई पड़ रहा है लेफ्ट में है, एक रेजिस्टेंस मिडिल में है और तीसरा रेजिस्टेंस जो है वो राइट में है। तो दिस कैन बी स्टेटेड एज आर वन, आर टू एंड आर थ्री। ठीक है, अगर इस तरीके का कभी आपको कॉम्बिनेशन मिले तो आपको समझ जाना है ये कॉम्बिनेशन किसका है। दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज रेजिस्टेंस। तो ये सीरीज रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन होता है। अब सीरीज रेजिस्टेंस में क्या चीज ऐड करी जाएगी, मतलब इसमें क्या है जोड़ा जाएगा, तो इसमें जोड़ा जाएगा क्या, एम मीटर। ये मान लीजिए एम मीटर हो गया। इसके साथ ही साथ एक हमारे पास क्या होनी चाहिए, बैटरी या सेल होना चाहिए। ठीक है, हम आपको पहले एक इलेक्ट्रिक सर्किट बना के दिखा रहे हैं। दिस इज एन इलेक्ट्रिक सर्किट। अब इस इलेक्ट्रिक सर्किट में कई सारे कंपोनेंट्स हैं। क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, तो आर वन आर टू आर थ्री ये रेजिस्टर्स हैं। इसके बाद ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है, दिस इज की। कैसी की है ये, तो ये क्लोज्ड की है। कैसी की है, ये क्लोज्ड की है। क्लोज्ड मतलब बंद है, मतलब सर्किट जो है वो चल रहा है, करंट जो होगी वो फ्लो करेगी। क्लोज्ड सर्किट में ही करंट फ्लो करती है, अगर सर्किट ओपन होता है तो करंट फ्लो नहीं करती है। ये बात आपको याद रखनी है। अगर मान लीजिए की ओपन होती तो की इस तरीके की होती। ठीक है, जो अगर की अगर ये ओपन होती, अगर सर्किट ओपन होता और करंट ना फ्लो कर रही होती तो की ऐसे बनी होती। ठीक है, लेकिन हमारे पास जो की दी गई है वो कैसी है, क्लोज्ड की है। इसका मतलब करंट प्रॉपर तरीके से फ्लो होगी। अब यहां पे देखिए क्या है, प्लस माइनस था। एम मीटर में जो करंट फ्लो करेगी ऐसे करेगी, ऊपर ही तो जाएगी। इसका मतलब ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस। ठीक है, अब देखिए होगा क्या, सीरीज कॉम्बिनेशन की पहली प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी सीरीज कॉम्बिनेशन की क्या होती है, पहली प्रॉपर्टी सीरीज कॉम्बिनेशन की ये होती है कि जो करंट बैटरी से निकलता है, द करंट दैट इमर्जेस आउट फ्रॉम द बैटरी इज सेम एज द करंट दैट इज ऑन ऑल द रेजिस्टर्स दैट आर कनेक्टेड इन सीरीज। मतलब क्या हुआ इसका, इसका मतलब ये हुआ कि बैटरी से या सेल से जो करंट निकलेगा वो करंट वही होगा जो इन तीनों रेजिस्टर्स पे जाएगा। मतलब करंट का कोई डिवीजन नहीं होता, करंट क्या रहता है, करंट हमेशा सेम रहता है। तो मान लीजिए यहां से करंट आई निकला, तो करंट आई इस पे भी जाएगा, करंट आई इस पे भी जाएगा और करंट आई इस पे भी जाएगा। तो तीनों रेजिस्टर्स पे जो हमको करंट दिखाई पड़ रहे हैं वो कितने दिखाई पड़ रहे हैं, वो हम लोग को दिखाई पड़ रहे हैं आई। आई इज व्हाट, आई इज द अमाउंट ऑफ करंट। अब समझिए, मान लेते हैं यहां पे जो नेट पोटेंशियल है इस बैटरी का, जो ईएमएफ है, या ये कह सकते हैं इस बैटरी का जो नेट पोटेंशियल है वो हम लोग ने क्या मान लिया, वो हम लोग ने मान लिया वी नेट मान लिया। अब अगर आपसे बोला जाए कि वी नेट के बारे में आप क्या कहेंगे, वी नेट के बारे में, तो वी नेट के बारे में ये होता है जो हमारा नेट पोटेंशियल होगा, जो बैटरी पे पोटेंशियल होगा, जो बैटरी पे ईएमएफ होगा, दैट विल बी इक्वल टू द ईएमएफ। जैसे अगर यहां बात करी जाए, ये मान लीजिए वी वन है, वोल्ट मीटर पहला, यहां पे जो रीडिंग आई ये दूसरा वोल्ट मीटर है वी टू, और यहां पे जो रीडिंग आ रही है तीसरा वोल्ट मीटर है वी थ्री। ठीक है, तो ये हमारे पास तीन वोल्ट मीटर्स थे, तीनों पे अलग अलग रीडिंग्स हो सकती हैं। तो वी वन भी रीडिंग है, वी टू रीडिंग है और वी थ्री रीडिंग है। तो जो यहां पे वी नेट होगा, ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन में जो वी नेट होता है किस पे, बैटरी पे, तो वी नेट इज इक्वल टू व्हाट, वी नेट इज इक्वल टू सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंसेस अक्रॉस ऑल द रेजिस्टेंसेस। ठीक है, तो सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंसेस, जितने भी पोटेंशियल डिफरेंस थे उनका सम, तो सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंसेस अक्रॉस ऑल द रेजिस्टेंस इज व्हाट, इज वी नेट। इसका मतलब हमारे पास फॉर्मूला क्या बन गया, वी नेट का फॉर्मूला मिल गया, वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री। ये हमारे पास वी नेट का फॉर्मूला मिल जाएगा। पहली चीज हमको क्या मिल रही थी, पहली चीज हम लोग को मिल रही थी कि जो आई था दैट वॉज इमर्जिंग आउट फ्रॉम द बैटरी। ठीक है, तो आई इज इक्वल टू व्हाट, ये मान लीजिए आई वन है, ये आई टू है और ये आई थ्री है। तो आई विल बी इक्वल टू व्हाट, आई वन इज इक्वल टू व्हाट, आई टू इज इक्वल टू व्हाट, आई थ्री। तो ये प्रॉपर्टीज हो गई किसकी, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस की, कि मतलब जो करंट होता है करंट रिमेन सेम, लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा अक्रॉस द बैटरी दैट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंसेस अक्रॉस ऑल द रेजिस्टेंसेस वी वन वी टू एंड वी थ्री, तीनों का सम। अब समझिए, हमको ओम्स लॉ से पता है, बाई ओम्स लॉ, ठीक है, ओम्स लॉ से हमको क्या पता है, ओम्स लॉ से हमको पता है दैट वी इज इक्वल टू आई आर। हमको पता है V is equal to IR। तो यहां पे देखिए, यहां क्या लिखा था, V net लिखा था, तो यहां क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं I into R net। ठीक,
आई इंटू आर नेट। आई क्या है? जो यहां से करंट निकली, क्योंकि देखिए वी नेट कहां पे था, वी नेट यहां पे था, तो जो करंट यहां से निकलेगी दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी आई नेट, चलिए मान लेते हैं, ठीक है, ये हो गया आई नेट। आर नेट क्या होगा? पूरे इन तीनों को, अगर इन तीनों की जगह पे एक नया रेजिस्टेंस हमको रखना है, मतलब हम ये चाहते हैं कि ये जो तीनों रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, इन तीन रेजिस्टेंसेस को एक रेजिस्टेंस से बदलना है, और वो एक रेजिस्टेंस वही वर्क परफॉर्म करे जो ये तीनों रेजिस्टेंस परफॉर्म कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। इसको कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस कहा जाता है। अब समझिए, अगर मान लीजिए आपको कहा जाए कि इसमें आरनेट क्या, हम लोग मान लेते हैं ये आरनेट है, ठीक है, पहले इसका एक और सर्किट बना देते हैं, तो इसका जो दूसरा सर्किट हो जाएगा वो कुछ इस तरीके का हो जाएगा, देखिए, ठीक है, तो यहां से जो करंट निकली वो आई नेट हो गई, यहां पे जो पोटेंशियल था वो क्या हो गया, वी नेट हो गया, तो वी नेट, आई नेट और आर नेट। अब देखिए हम लोग समझ सकते हैं कि वी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वी नेट का फॉर्मूला हो गया आई नेट इंटू आर नेट। मैं फिर से बता देता हूं, नेट रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, नेट रेजिस्टेंस का मतलब ऐसा रेजिस्टेंस जो सिमिलर वही का, जो सेम वही काम करेगा जो ये तीनों रेजिस्टेंसेस मिलकर कर रहे थे, मतलब ये तीनों रेजिस्टेंस का जो फंक्शन है वो अकेला एक नेट रेजिस्टेंस करता है, दैट इज व्हाट, दैट इज नेट रेजिस्टेंस, और वी कैन से दैट इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इसको ज्यादा अच्छा टर्म इक्विवेलेंट कहा जाता है, तो चाहे इसको नेट रेजिस्टेंस समझिए, चाहे इसको आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस समझिए, बात एक ही है। अब देखिए V1 क्या होगा, V1 मतलब यहां पे जो पोटेंशियल आएगा वो क्या होगा, तो V का फॉर्मूला हमको पता है IR, तो I1 यहां पे करंट है, R1 यहां पे रेजिस्टेंस है, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, I1 R1 प्लस V2 क्या हो जाएगा, V2 विल बी इक्वल टू I2 into R2, तो V2 की जगह क्या लिख दीजिए, I2 into R2 लिख दीजिए, प्लस V3 है, तो V3 की जगह क्या हो जाएगा, V3 की जगह हो जाएगा I3 into R3, I3 into R3। अब समझिए क्या है, हमको पता है आई नेट जो है, आई नेट इज इक्वल टू व्हाट, आई वन इज इक्वल टू आई टू इज इक्वल टू आई थ्री, तो हम लोग मान लेते हैं ये सभी जो है वो आई के बराबर है, किसके बराबर है, हमने एक नया टर्म मान लिया क्या, आई, तो हम लोग ये मान लेते हैं ऑल द टर्म्स आर इक्वल टू व्हाट, ऑल द टर्म्स आर इक्वल टू आई, तो इसको इक्वल किसके मान लिया है, आई के इक्वल मान लिया है। अब समझिए आई नेट की जगह क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, ठीक है, आई इंटू आर नेट विल बी इक्वल टू, आई वन भी आई है, I2 भी I है, और I3 भी क्या है, I है, तो I हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 बन जाएगा, ठीक, ये I और ये I कट गया, तो फॉर्मूला क्या बना हमारे पास, आर नेट इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, दिस इज द नेट फॉर्मूला या नेट या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन के केस में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, आर नेट इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। कर लें सब लोग, तो एक क्वेश्चन दिया है हमने, इसमें देखिए क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है एक बैटरी है, कितने वोल्ट की बैटरी है, 12 वोल्ट की बैटरी है, इसके बाद हमारे पास तीन रेजिस्टेंस हैं जो किसमें लगे हुए हैं, सीरीज में लगे हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं सीरीज में लगे हैं, तो तीनों का रेजिस्टेंस हमने मान लिया है किसके बराबर है, 4 ओम के बराबर है, ये इक्वल हो भी सकता है, जरूरी नहीं है कि ये 4 ओम ही रहे, कुछ भी क्वेश्चन में दिया जा सकता है, ठीक है, तो देखिए R1 R2 R3 हमारे पास 4 ओम है, तो सबसे पहले हमको ये जानना है कि इससे करंट जो निकली, यहां से जो करंट निकल रही है बैटरी से या सेल से, वो करंट कितनी है, वो वैल्यू हमको जाननी है, कैसे निकलेगी, उसके लिए सबसे पहले हम लोग को कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, क्योंकि देखिए तीनों किसमें लगे हुए हैं, तीनों लगे हुए हैं हमारे पास सीरीज में, तो सीरीज में लगे हैं, तो पहले हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे, तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 करेंगे तो 4 प्लस 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 12 ओम हो जाएगा, तो 12 ओम इज व्हाट, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारे पास आ गया। 12 वोल्ट क्या है, 12 वोल्ट हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है, अब हमको क्या निकालना है, करंट निकालना है, हमको फॉर्मूला पता है V इज इक्वल टू आई आर, वी कितना था 12 इज इक्वल टू आई, वी हैव टू फाइंड आउट, आई को रहने दीजिए अभी, आई इंटू आर, आर क्या है 12 है, 12 नीचे जाएगा तो आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12 अपॉन 12 आ जाएगी, और कितना हो जाएगा 1 एम्पियर हो जाएगा, इट मीन्स द आंसर इज 1 एम्पियर, तो करंट कितनी आ गई, 1 एम्पियर आ जाएगी, तो इसमें जो करंट फ्लो हो रही है दैट इज व्हाट, दैट इज इक्वल टू 1 एम्पियर। यहां हमारे पास एक और नया क्वेश्चन है, इसमें भी देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन का ही क्वेश्चन है, इसमें क्या कहा गया है पहले आप ये समझिए,
यहाँ कहा गया देर आर थ्री रेजिस्टेंसेज विच आर कनेक्टेड इन सीरीज ऑफ 2 ओम 3 ओम एंड 4 ओम. ठीक है, देर इज अ वोल्ट मीटर कनेक्टेड टू अ रेजिस्टेंस ऑफ 3 ओम. 3 ओम के अक्रॉस क्या कनेक्टेड है, एक वोल्ट मीटर कनेक्टेड है. और जो बैटरी है दैट इज ऑफ 27 वोल्ट. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 27 वोल्ट. आपको दो चीज बतानी है. पहला क्या बताना है, आपको करंट बतानी है. व्हाट इज द अमाउंट ऑफ करंट. आपको ऐसे करंट भी पूछा जा सकता है या यहाँ पे हो सकता है एम मीटर दे दें, ठीक है, और आपसे कहें टेल द एम मीटर रीडिंग. ठीक है, तो दोनों चीज सही है, चाहे आप करंट बताएं चाहे आप एम मीटर रीडिंग बताएं, बात एक ही है. और साथ ही साथ आपको वोल्ट मीटर रीडिंग बतानी है. क्या बतानी है, वोल्ट मीटर रीडिंग बतानी है. बहुत सिंपल तरीके से हो जाएगा. देखिए कैसे होगा, कोई भी क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहला आपके काम ये होता है कि सबसे पहले आप टोटल रेजिस्टेंस निकाल दीजिए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल दीजिए. तो देखिए आर इक्विवेलेंट पहले हम देखेंगे क्या मिल रहा है. तो आर इक्विवेलेंट हमको मिल जाएगा 2 + 3 + 4, तो 4 = 3 = 7 और 2 = 9 ओम. 9 ओम इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. अब इसके बाद देखिए हमारे पास वोल्टेज कितना दिया गया है, 27 वोल्ट. तो वी को लिख दीजिए 27 वोल्ट. ठीक, अब हमको बाई ओम्स लॉ वी नो दैट वी इज इक्वल टू आई आर. तो आई क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा वी अपॉन आर. वी क्या है, 27, आर क्या है, 9 ओम. ठीक, तो क्या हो जाएगा, 3 एम्पियर हो जाएगा. तो करंट क्या हो गई, करंट हो गई 3 एम्पियर. करंट इज व्हाट, करंट इज 3 एम्पियर. दिस इज द अमाउंट ऑफ करंट. अब करंट 3 एम्पियर है, तो देखिए मतलब ये हुआ कि यहां से जो करंट निकली दैट इज व्हाट, 3 एम्पियर. अब इसका मतलब यही 3 एम्पियर इसमें भी जाएगी, क्योंकि हमने कहा था सीरीज कॉम्बिनेशन में हमेशा करंट क्या रहती है, सेम रहती है. तो जो करंट यहाँ पे गई वही करंट इस पे गई, वही करंट इस पे गई, वही करंट इस पे गई. तो अगर इस पे पूछा जाए करंट क्या गई, तो 3 एम्पियर की गई. यहाँ पे करंट क्या गई, 3 एम्पियर की गई. यहाँ पे करंट क्या गई, तो ये भी 3 एम्पियर की जाएगी. ठीक है, तो तीनों में जो करंट का केस है, जो अमाउंट ऑफ करंट है, दैट इज व्हाट, 3 एम्पियर. तो 3 एम्पियर की करंट जा रही है. अब समझिएगा क्या है क्वेश्चन में. अब हमको समझ लीजिए कि यहाँ पे इस वाले रेजिस्टेंस के पास में वोल्टेज दे दिया गया, मतलब करंट दे दी गई और रेजिस्टेंस दे दिया गया. हम लोग को निकालना क्या था, हम लोग को V निकालना था. V का फॉर्मूला बहुत सिंपल, V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई आर हो जाएगा. ठीक है, V विल बी इक्वल टू व्हाट, V विल बी इक्वल टू आई आर. अब V क्या था, निकालना है हम लोग को. I कितना है, 3 एम्पियर है. R कितना है, 3 ओम है. तो 3 × 3 क्या हो जाएगा, 9 वोल्ट विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस. और करंट कितनी आ गई, 3 एम्पियर आ गई. तो इस तरीके से हमारा वाला क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा. तो बेटा ये हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है. इसमें कहा गया है क्या, इसमें कहा गया है देयर इज अ बैटरी ऑफ 90 वोल्ट. देयर आर थ्री रेजिस्टेंसेस 2 ओम 3 ओम एंड 4 ओम व्हिच आर कनेक्टेड इन सीरीज. व्हाट यू हैव टू टेल, व्हाट इज द, व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, वी हैव टू फाइंड आउट द वोल्ट मीटर रीडिंग. तो वोल्ट मीटर रीडिंग के बारे में हमको बताना है. तो वोल्ट मीटर रीडिंग के बारे में आपको बताना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वोल्ट मीटर रीडिंग. देखिए इसको करने का तरीका क्या है. अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं थोड़ा सा केस बदल दिया गया है. वोल्ट मीटर जो है वो एक रेजिस्टेंस पे नहीं लगा हुआ है, वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड अक्रॉस कॉम्बिनेशन ऑफ 2 रेजिस्टेंसेज ऑफ 3 ओम एंड 4 ओम. ठीक है, तो मतलब इन दोनों के कंबाइंड में जो पोटेंशियल होगी वो पोटेंशियल यहाँ पे शो कर रही होगी. ठीक है, तो अब आपको समझना क्या है, आपको समझना ये है कि यहाँ पे कॉम्बिनेशन हो गया, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले इस 3 ओम को और 4 ओम को कंबाइन कर देंगे और कंबाइन करके 1 बना देंगे. ठीक है, तो 1 कैसे बनाएंगे, तो हमने क्या किया, हमने 3 ओम और 4 ओम को मिटा दिया और इसकी जगह क्या लिख दिया, 3 और 4 का कॉम्बिनेशन क्या होता है, 7 ओम होता है. क्वेश्चन इजी हो गया, सिंपल सा काम. पहले आप नेट रेजिस्टेंस निकाल लीजिए. आर नेट क्या आ जाएगा, आर नेट विल बी इक्वल टू 9 ओम. आर नेट क्या आ गया, 9 ओम आ गया. अब देखिए 9 ओम अगर आ गया तो पहले आई नेट निकाल लीजिए, जो करंट यहां से निकला आई नेट. ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, दैट विल बी इक्वल टू वी अपॉन आर नेट. वी क्या था, वी था 90 वोल्ट. ठीक है, आर क्या है, आर नेट इज 9 ओम. याद रखिएगा यहाँ पे आर नेट यूज करते हैं क्योंकि बैटरी से करंट निकालनी है. जब भी बैटरी से करंट निकालनी होगी कि व्हाट अमाउंट ऑफ करंट इज कमिंग आउट फ्रॉम द बैटरी, वी हैव टू कीप आर नेट, वी हैव टू कीप आर नेट नॉट आर. अगर आपने 7 रख दिया इसकी जगह पे आर नेट, ये गलत हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि हमको पूरी बैटरी से करंट निकालनी है. कितना आ जाएगा, 10 एम्पियर का आ जाएगा. तो हमारे पास करंट हमको मिल गया.
अब देखिए हमको करंट कितना मिल गया, 10 एम्पियर मिल गया। अब यही 10 एम्पियर का करंट इस पे भी जा रहा होगा और यही 10 एम्पियर का करंट इस पे भी जा रहा होगा, क्योंकि देखिए सीरीज में है, जो करंट यहां से बहता है वो पूरे में वही जाता है सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो 10 एम्पियर का करंट इस पे जा रहा है, मतलब हमको इस पे 10 एम्पियर का करंट भी पता चल गया और इस पे हमको रेजिस्टेंस पता ही था 7 ओम का। अब हम लोग आसानी से क्या निकाल सकते हैं, V निकाल सकते हैं। V इज व्हाट, V इज इक्वल टू I इनटू R नेट। I इज इक्वल टू व्हाट, 10 ओम, ठीक है। R नेट इज व्हाट, R नेट इज, मतलब यहां पे R नेट नहीं होगा क्योंकि हम लोग को अक्रॉस 7 ओम निकालना है, तो V अक्रॉस 7 ओम, तो यहां पे हो जाएगा 7, ठीक। तो 10 इनटू 7 क्या हो जाएगा, 70 वोल्ट। तो 70 वोल्ट इज द वोल्ट मीटर रीडिंग। तो बेटा क्वेश्चन में एक हमारे पास अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें देखिए क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है एक कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेज है, कितने कितने ओम का है, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम और 6 ओम, ठीक है। इसके अक्रॉस एक एमीटर कनेक्टेड है और इस कॉम्बिनेशन के अक्रॉस क्या कनेक्टेड है, एक वोल्ट मीटर कनेक्टेड है, ठीक है। यहाँ पे जो बैटरी दी गई है उसका पोटेंशियल नहीं बताया गया है, उसके बारे में क्या बताया गया है, उसके बारे में बताया गया है कि जो एक एक सेल, जो ईच सेल यहाँ लगा है उसका पोटेंशियल कितना है, 100 वोल्ट है। मतलब ये वाला भी 100 वोल्ट होगा, ये भी 100 और ये भी क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बताना है फाइंड द एमीटर रीडिंग एंड वोल्ट मीटर रीडिंग, मतलब जो एमीटर पे रीडिंग है वो आपको बतानी है, जो वोल्ट मीटर पे रीडिंग है वो आपको बतानी है। बहुत सिंपल तरीका है, देखिए कैसे किया जाएगा, ठीक है। देखिए कैसे किया जाएगा, तो हमने आपको बताया जब भी आपको नेट करंट निकालना हो, देखिए नेट करंट क्या होता है, नेट करंट आई ही तो होगा और यही नेट करंट अगर यहां से निकला वही इस पे जाएगा, इस पे जाएगा, इस पे जाएगा, इस पे जाएगा, इस पे जाएगा और फिर वही इधर भी आ जाएगा, ठीक है। तो एम मीटर पे रीडिंग क्या होगी, एम मीटर पे रीडिंग वो करंट होगा जो करंट यहां से निकल रहा था, जो करंट बैटरी से निकल रहा था। और उस करंट को निकालने का तरीका बहुत सिंपल होता है, आई नेट का फॉर्मूला, वी नेट अपॉन आर नेट। तो लगा दीजिए वी नेट अपॉन आर नेट। वी नेट देखिए हमको पता है ईच सेल 100 वोल्ट का है, ठीक है। यहाँ पे कितने सेल है, 100 100 100, तो टोटल कितना हो जाएगा, 300 वोल्ट हो जाएगा। तो हमारे पास जो वोल्टेज मिला वो कितना हो गया, 300 हो गया, ठीक है। आर नेट देखिए क्या हो गया, सबके सब किसमें कनेक्टेड है, आप क्या करिए यहां से तार को इधर से पकड़िए और इधर से पकड़िए और खींच दीजिए। जब आप इस तार को स्प्रेड करेंगे तो आपको क्या दिखाई पड़ेगा, ये पूरी एक स्ट्रेट लाइन बनती दिखाई पड़ेगी। इसका मतलब 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम और 6 ओम किसमें है, सबके सब सीरीज में है, ठीक है। तो 2, 3, 5, 5, 10, 4, 14 और 2, 6, 20, ये हो गया 20। तो आई नेट कितना आ जाएगा, ये जीरो कट गया, आई नेट विल बी इक्वल टू व्हाट, आई नेट इज इक्वल टू 15 एम्पियर। दिस इज द नेट करंट अक्रॉस दिस एमीटर, जो एमीटर के अक्रॉस करंट होगा वो कितना हो जाएगा, 15 एम्पियर हो जाएगा। अब समझिए क्या करना है, अब करना हमको ये है कि हमको ये वोल्टमीटर की रीडिंग चाहिए। वोल्टमीटर की रीडिंग किसके अक्रॉस है, एक रेजिस्टर के अक्रॉस नहीं है, तीन रेजिस्टर के अक्रॉस है। और वो तीन रेजिस्टर कैसे हैं, दे आर ऑल कनेक्टेड इन सीरीज। तो हमने आपको बताया था इसके लिए क्या करना पड़ता है, इसके लिए करना ये पड़ता है कि तीनों को हम किस में लगा दें, सीरीज में एक कर देते हैं, तीनों का एक कॉम्बिनेशन बना देते हैं। तो 3, 4, 5 और 5, 3, 4, 3, 7, 4 और 3, 7 और 5, 12। तो 12 इसकी जगह पे हम लोग लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसको हटा दें और इसकी जगह क्या लिख दें, इसकी जगह लिख दें 12 ओम रेजिस्टेंस, कितना, 12 ओम रेजिस्टेंस। अब समझिए जो करंट यहां से निकली थी ये 15 एम्पियर थी, वही करंट इस पे गई और वही करंट इस पे गई, तो इस पे करंट कितनी हो गई, 15 एम्पियर हो गई। करंट 15 एम्पियर है, रेजिस्टेंस 12 ओम है, वोल्टेज कितना हो जाएगा, तो वोल्टेज जो यहां पे मिलेगा दैट विल बी इक्वल टू आई इनटू आर नेट, विल बी इक्वल टू व्हाट, विल बी इक्वल टू, थोड़ा सा यहां लिख देते हैं, वी इज इक्वल टू आई इनटू आर नेट, वेयर आई इज व्हाट, आई इज 15, आर नेट इज व्हाट, 12, दैट विल बी इक्वल टू 180 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो आया, या ये कह सकते हैं जो वोल्ट मीटिंग रीडिंग हमारे पास आई वो कितनी आ गई, वो हमारे पास आ गई 180 वोल्ट की। तो एक क्वेश्चन बता देते हैं आपको क्या है, इसमें कहा गया है देयर इज अ बैटरी ऑफ 30 वोल्ट, यहाँ पे हमारे पास 4 रेजिस्टेंसेज यूज हमने किए हैं, एक 4 ओम का है, 3 ओम का है, 2 ओम का है और फिर से 2 ओम का है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में आपको ये बताना है What is the potential difference across 3 ओम and 4 ओम resistance? देखिए 4 ओम ये है, 3 ओम ये है, आपको इसके across potential difference बताना है। तो potential difference across 3 ओम and 4 ओम resistance, we you have to calculate.
तो बेटा इस क्वेश्चन को हम लोग आपके लिए रख रहे हैं, आप लोग इसका आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में लिख के। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, अगले टर्न पे हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन और उसके कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।